नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने रात को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पूर्व मुख्य सचिव एससी बेहार से चर्चा के बाद अपना अनशन और धरना आंदोलन खत्म कर दिया। पाटकर ने बेहार के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। मेघा पाटकर के साथ अनशन पर बैठे नर्मदा बचाओ आंदोलन के अन्य 6 कार्यकर्ताओं ने भी अपना अनशन खत्म किया। सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में बड़वानी जिले के छोटा बड़दा आए पूर्व मुख्य सचिव बेहार ने धरना स्थल पर पहुंचकर मेधा पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जलस्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पाटकर और साथी 9 सितंबर को भोपाल में एनवीडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उनके मुद्दों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में धरने का निर्णय लेंगे। रात में 12 बजे कोई मेरा दीदी को लाया गया था जो 8-9 दिन से उपवास पर थी। यहाँ आने पर उनका जो परीक्षण किया गया उसमें उनका बीपी और पल्स थोड़ा कम पाया गया और शुगर उनकी जो थी वो नॉर्मल थी और जो अपन ने खून और पेशाब खून की जो अभी तक जांचें हुई है वो सारी जांचें अभी तक सामान्य पाई गई है। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य अभी ठीक है, स्थिर है। 8-9 दिन के उपास से जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए कोई गंभीर चीज़ तो नहीं सामने आई? अभी तक की जांचों में तो कोई गंभीर चीज़ सामने नहीं आई। राजन जी और आयुक्त महोदय इन दोनों के ऊपर हम भरोसा रख कर ही कर रहे हैं। ये मध्यस्थ रहे, एक पक्ष न रहे। हमने जाना है उनको मुख्य सचिव होते हुए कितनी कुशलता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उस वो कुशलता अगर आज के अधिकारियों में होती तो हमको यहाँ बैठना ही नहीं। कुशलता न मंत्री में है न किसी अधिकारी में है, उल्टी भ्रष्टता है। अरे जल्दी आना, आशा करते हैं कि डूब के पहले पुनर्वास। बहुत कड़ी चुनौती सामने है तो हम भोपाल चलेंगे और आशा है वहाँ लंबा सत्याग्रह हमको न करना पड़े। ये हम आयुक्त महोदय ही अभी आए हैं, भोपाल से एक प्रतिनिधि भी नहीं आया।